दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई कनेक्ट पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको मालूम होगा कि आपके इस चैनल पर 11th कॉमर्स या ओवरऑल करके कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए लेजर ट्रायल बैलेंस के नाम से एक सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसके संबंध में टॉपिक जो आपका चल रहा है, लेजर आपका समाप्त हो चुका है, जनरल भी समाप्त हो चुका है, आपका ट्रायल बैलेंस का टॉपिक चल रहा है। पिछले वीडियो में ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया, ट्रायल बैलेंस होता है क्या, इसका मीनिंग, इसके एसेंशियल फीचर्स, इसके ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मेट, और मैंने बताया था एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स और एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो हमारे सभी डेबिट बैलेंस होते हैं, जितने भी हमारे कैपिटल लायबिलिटीज और रेवेन्यू होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो सभी हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। उस बेस के आधार पर आज आपको हम बताएंगे कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमारे ऊपर कितनी विधि है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्क्रीन पर आप देखिए, कराए तलपट बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपेयर ऑफ ट्रायल बैलेंस के बारे में कराए। अगर हम लोग बात करेंगे, पहला जो आपका मेथड है वो टोटल मेथड करा, जोड़ विधि इसको बोलते हैं हिंदी में, जोड़ विधि। जोड़ विधि का मतलब जानते क्या होता है कि लेजर में जो भी आपने खाता खोला है उस लेजर का जो भी टोटल आएगा, जो भी टोटल आया उस टोटल अमाउंट को ही दिखाना है। टोटल का मतलब ये मत समझिएगा कि आप उसको बैलेंस बराबर करके उसका टोटल किए कि भाई इधर 1 लाख है तो इधर भी 1 लाख हो गया, नहीं ऐसा नहीं सोचता। मतलब कि यहाँ पे टोटल मतलब जो बैलेंस सीडी वाला, चाहे वो टू बैलेंस सीडी हो चाहे बाई बैलेंस सीडी हो, उसको कट करने के पहले या उसको काटने के बाद का, ठीक है, जो भी बैलेंस हमारा आया टोटल, जितना डेबिट टोटल आया, जितना क्रेडिट टोटल आया, उसी टोटल को दिखाना है। यहाँ पर जो भी बैलेंस अमाउंट होगा, जो भी, चाहे टू बैलेंस सीडी हो आपका हो चाहे बाई आपका बाई बैलेंस सीडी हो, उस बैलेंस वाले अमाउंट को नहीं ध्यान रखना है, उसी अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, टोटल, उसी को बोलेंगे टोटल। जैसे सपोज करो इधर आपका 50,000 आ गया और उधर आपका डेबिट साइड आपका मान लीजिए 50,000 आ गया, क्रेडिट साइड आपका 45,000 आया, तो क्रेडिट में हम लोग लिखे होंगे बाई बैलेंस सीडी करके 5,000 लिखे होंगे, तब जाकर दोनों साइड 50-50 हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ पर डेबिट में हम लोग उसको 50 दिखाएंगे लेकिन क्रेडिट में कितना दिखाएंगे, 45, कहने का ये मतलब था। दूसरा हमारा जो मेथड है, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, अगर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोई मेथड है तो हमारा वो बैलेंसिंग मेथड, ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कोई मेथड हमारा है तो हमारा वो बैलेंस मेथड है। बैलेंस नाम से स्पष्ट हो रहा है, बैलेंस का मतलब होता है ये हमारा वह खाता होता है या वह हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड होता है, जो कि खाता बही में जो भी हमारे बैलेंस आए हैं सिर्फ बैलेंस को ही ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बताया कोई लेजर है उसके डेबिट टोटल का योग आया है 50,000 रुपया और टोटल हमारा है 45,000 रुपया, तो वहां पे हम लोग दोनों साइड को इक्वल करने के लिए हम लोग बाई बैलेंस सीडी किए थे 5,000, तो वह जो 5,000 आपका जो बचा हुआ है बैलेंस, जो बचा है 5,000, वहां पर सिर्फ यही बैलेंस हमारा आना चाहिए। वास्तव में हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस है, इसलिए उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। ध्यान रखिए, जिधर आपका आया है मीन्स बैलेंस सीडी करने के बाद उसके अगले वर्ष में अगले डेट पर हम लोग उसको बैलेंस बीडी करते हैं, तो बैलेंस बीडी वाला ही हमारा कहा इसमें ट्रायल बैलेंस में आएगा। ये मेथड जो करा है जितना लेजर का टोटल आया उसको दिखाइए। दूसरा मेथड इसी जस्ट विपरीत कर रहा है कि इस मेथड में लेजर में जो बैलेंस हमारे आए सिर्फ सीडी वाला आए जो आपका है उसको अगले साल बीडी किए हुआ बैलेंस हमारा इस मेथड में जाएगा। ये जो तीसरा हमारा मेथड है वो करा है टोटल एंड बैलेंस मेथड। जानते हो क्या हो रहा है, ये सेम आपका है, जब इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड टोटल मेथड और बैलेंस मेथड को मिलाकर एक साथ बना दिया जाता है तो ये हमारा कहलाता है टोटल एंड बैलेंस मेथड। मीन्स जानते हो यहाँ क्या होता है, अमाउंट का कॉलम दो एक्स्ट्रा आपके और बढ़ जाते हैं, दो आपके अमाउंट के जो कॉलम होते हैं डेबिट और क्रेडिट का, एक तो टोटल मेथड का हो जाएगा और दूसरा हमारा हो जाएगा वो बैलेंस मेथड का हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट, ये हमारा करा है। चौथा और अंतिम जो हमारा करा है, बराबर जोड़ वाले खाते न लिखकर तलपट बनाना, ओमिटिंग अकाउंट ऑफ इक्वल टोटल मेथड। जानते हो क्या होता है, ये मेथड जो आपका है ट्रायल बैलेंस बनाने का, इसमें करा है जो खाता दोनों साइड उसका इक्वल इक्वल आ गया, विदाउट एनी बैलेंस दोनों खाते का पक्ष बराबर आ जा रहा है, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आ जा रहे हैं, तो ऐसी दशा में उनके बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लिख, उनके टोटल को ट्रायल बैलेंस में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कुछ आगे में लेजर बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से जिनका बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। तो ओवरऑल तलपट बनाने के हमारे पास चार मेथड है, टोटल बैलेंसिंग, टोटल अनबैलेंसिंग एंड नॉट इक्वल ऑफ टोटल बैलेंस मेथड, तो ये हमारे चार मेथड है। अब हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे, आज आपको हम सिर्फ दो मेथड बताएंगे, वो है टोटल और बैलेंसिंग मेथड बताएंगे। हाँ, ये जो बताएंगे आपको कैसे बनाएंगे, ये सवाल आपका वही रहेगा जो पिछले आप ऑलरेडी लेजर पोस्टिंग आप पढ़ चुके हैं, सवाल आपका वही रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा आप उसको जो आप बनाए हैं लिख कर कागज़ में पेन में जो भी आपका तैयार किए उसको आप उठा लीजिए, वही सवाल मैं लूँगा, उसी सवाल को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा।
हाँ, अगर आप इसको पीडीएफ बनाए तो पीडीएफ को देख लीजिए, क्योंकि जो भी लेजर आपका वहाँ पे बना है उसी लेजर को के हिसाब से हम लोग यहाँ पर तैयार करेंगे, और उसी उसी सवाल का हम लोग दोनों मेथड से आज बनाएंगे कि दोनों मेथड से हमारा क्या रहा है, टोटल से हमारा क्या रहा है और बैलेंस से क्या रहा है। तो आइए बनाते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे टोटल मेथड से। तो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी डेट दिया रहा होगा, मान लीजिए मैं डेट ले रहा हूँ यहाँ पर 31 मार्च ले रहा हूँ, 31 मार्च 2006 तक, क्या जो भी डेट होगा, डेट से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जो भी डेट होगा देख दीजिएगा। अब हम यहाँ बनाने जा रहे हैं ये देख लीजिए, कॉलम आपका बन रहा है ये, एक हम यहाँ सीरियल नंबर का भी ले लेते हैं, सीरियल नंबर का भी ले लेते हैं, इसका सीरियल नंबर क्या होगा। तो ये आपका जो पहला है वो सीरियल नंबर का है, ये आपका है नेम ऑफ लेजर, ये अमाउंट आपका है और ये भी आपका अमाउंट है। आपको मालूम होगा ये वाला हमारा क्या होता है, डेबिट का होता है, और इधर वाला हमारा क्या होता है, वो है क्रेडिट का होता है। और हम लोग इसे किस मेथड से तैयार कर रहे हैं, इसे किस मेथड से तैयार कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये हम लोग जो तैयार करें पहले टोटल मेथड से। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टोटल मेथड, टोटल मेथड हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, टोटल मेथड्स हम लोग यहाँ पर बनाने का प्रयास करें, टोटल मेथड्स हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला लेजर, क्योंकि मेरे पास भी नहीं तो मैं उसको ले रहा हूँ, मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है, देख लेते हैं कि क्या था वो। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग लेते हैं तो पहला हमारा जो था वो कैश का ही था, बिल्कुल याद कीजिए, पहला हमारा क्या था, कैश अकाउंट। तो पहले हम लोग यहाँ पर कैश अकाउंट डाल देते हैं, और देखिए कैश अकाउंट जो हम लोग बनाए थे याद कीजिए, उसमें हम लोग उसका टोटल जो किए थे और डेबिट टोटल जो हमारा आया था वो 90,000 रुपये आया था, डेबिट टोटल हमारा आया था वो 90,000 रुपये आया था। तो डेबिट जितना आया उसको 90,000 रुपये आप यहाँ लिख दीजिए, और क्रेडिट भी आपका कहोगे सर 90,000 उधर भी तो आया था, हाँ 90,000 आया था, लेकिन आप उसमें देखिए आप उसमें बैलेंस किए होंगे 10,020 रुपये का बैलेंस किए होंगे, तो बैलेंस घटाने के पहले क्या वैल्यू रहा होगा वह वैल्यू आपको इसमें दिखाना है, ठीक है। टोटल मतलब जितना डेबिट टोटल आया है और क्रेडिट टोटल जितना आया उसको सिर्फ दिखाना है। तो उसमें आपका आया था 79,000 और ये आपका 980, ये आपका 79,980 ये आपका था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा बन गया पहला। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो हम दूसरा क्या बनाए थे, दूसरा अगर बात करेंगे तो कैपिटल ले लेते हैं पहले, कैपिटल अकाउंट। और आपको मालूम होगा मैंने अभी आपको समझाया है कैपिटल लाइबिलिटी जिसको देखते ही आपका क्या करोगे, क्रेडिट हमारा होगा। तो ये आपका सीधा 40,000 था, बिल्कुल हाँ 40,000 था, तो आप यहाँ पे 40,000 कर दीजिए। इधर आपका कुछ था नहीं, टोटल डायरेक्ट बैलेंस था, कर दीजिए। तो इसके बाद ये थर्ड आपका नंबर हो गया, थर्ड नंबर आपका क्या परचेजेज अकाउंट है, तो परचेजेज अकाउंट लीजिए भाई। हाँ परचेज अकाउंट की केवल बात करेंगे तो इसका टोटल जो आपका आया था, टोटल देखो एक ही साइड आपका डेबिट रहा होगा, क्रेडिट में मैंने बताया था भाई बैलेंस जो है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो ये आपका रहा होगा 79,000, जी हाँ बिल्कुल 79,000। फोर्थ जो आपका है, फोर्थ अगर हम लोग बात करेंगे तो परचेज जब है तो सेल्स भी ले लो, सेल्स अकाउंट इसका देखिए टोटल भाई परचेज जान लीजिए, ट्रायल बैलेंस हमेशा डेबिट साइड रहता है और सेल्स हमेशा कहाँ होता है, क्रेडिट साइड रहता है, और रिटर्न इसी का उल्टा रहेगा, ध्यान रखिए रिटर्न क्या, जो परचेज रिटर्न हमारा कहाँ रहेगा, क्रेडिट में रहेगा, और सेल्स रिटर्न कहाँ रहेगा, हमारा डेबिट में रहेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50,000, ओके बिल्कुल 50,000 ही हो गया। आगे पाँचवा लेजर देखते हैं, पाँचवा जो लेजर आपका कह रहा है वो क्या था, सोहन को देख लेते हैं हम लोग, सोहन का था, और सोहन में आप देखेंगे दोनों साइड इक्वल रहा होगा, 18,000
तो दोनों साइड हम लोग क्या किए इसको इक्वल कर दिए। हाँ, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, इसको समझने से पहले आप पहले जो लेजर पोस्टिंग किया, मैंने जनरल बताया था, जनरल के बाद जो मैंने लेजर पोस्टिंग किया था, पहले उसको समझ लेंगे तभी आपको ट्रायल बैलेंस ही आएगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आएगा, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप कंटिन्यू बने रहिए, भरोसा रखिए, मैं आपको धीरे धीरे सब आपको सिखा दूंगा। जो लोग नए अभी जल्दी में ज्वाइन किए उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद लेजर नंबर 6 देखिए, और किसी प्रकार कोई शिकायत हो तो कमेंट करते रहिए, बताते रहिएगा। अगला आपका जो है रमेश का है, तो रमेश का भी बना लेते हैं हम लोग। हाँ, रमेश भी आप देखे होंगे तो इसमें भी इक्वल आया होगा। हाँ सर, बिल्कुल इक्वल आया है, तो वहाँ भी आप क्या करें 20,000 से आप इक्वल कर देंगे। इसके बाद जो अगला बंदा हमारा है, अगला जो बंदा हमारा है दिनेश है, 7वां लेजर आपका दिनेश, इसको भी एक साथ ले लो। तो दिनेश का क्या था, 17,000 था, बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे जितने पर्सनल आपके यहाँ पे पर्सन हैं वो सभी लोग हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए होंगे। 8वां अगर हम लोग लेजर बात करें तो 8वां हमारा जो है ड्रॉबिंग का है, आहरण का जो ओनर ने निकाला था, तो ड्रॉबिंग काउंट का ले लेते हैं। ड्रॉबिंग आप देखेंगे 500 रुपये आपका होगा, बिल्कुल हाँ, ड्रॉबिंग हमारा क्या है वो 500 रुपये हमारा है, तो ये आपका 500 रुपये हो गया भाई। 9वां देखते हैं, 9वां हमारा क्या लेजर, ओके 9वां लेजर देखते थे, डिस्काउंट है बिल्कुल। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर किसी प्रकार कोई लेजर छूटा हो तो बना भी लीजिएगा, मैंने पूरा बनाया भी था आपको, फिर भी अगर आपका छूटा हो तो उसको सही कर लीजिए। डिस्काउंट अगर आप बनाएंगे, चूंकि डिस्काउंट अलाउ किया था तो इसलिए डिस्काउंट आपका यहाँ पर ये इनकम हुआ था इसलिए आपका रेवेन्यू हो गया। और 10वां जो आपका है, 10वां जो है सैलरी का है, सैलरी अकाउंट, ये आपका एक्सपेंस था क्योंकि आपने दिया था, तो ये 500 रुपये आपका, इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। सभी लेजर आपके हो गए, एक बार मिला लेते हैं, कैश कैपिटल परचेज से सोहन रमेश दिनेश ड्रॉविंग डिस्काउंट ओके। अब ये हमारा टोटल हो गया, अब टोटल दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए, यही तो हमारा कह रहा है, यही तो हमारा अकाउंट की सबसे बड़ी विशेषता है, दोनों साइड हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आप दोनों को इक्वल करेंगे तो आएगा दोनों का सेम 2,25,000 आपका ये अमाउंट आ जाएगा, बोथ साइड हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग को लग रहा होगा सर कम समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं, घबराइए मत, अभी हम आपको केवल वैसे सिखा रहे हैं, अभी कुछ सवाल हम आपको लाएंगे ऐसे जो कम्प्लीटली मैं आपको एक सवाल लेंगे, ट्रांजेक्शन लेंगे, उस ट्रांजेक्शन से हम लोग क्या करें लेजर पोस्टिंग करेंगे, और उसी सवाल का हम लोग क्या करेंगे, उसी सवाल का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो सीधी से जो इतना प्रोसेस होगा तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो इस तरह से आप यहाँ सीख लिए कैसे आपका ये ट्रायल बैलेंस आपका बन गया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सामने आ गया है। हमने क्या बनाया, टोटल मेथड से मैंने ये ट्रायल बैलेंस आपका ये बना दिया। अब इसी सवाल को हम लोग लेंगे, इसी सवाल का लेंगे बैलेंसिंग मेथड से हम लोग सीखेंगे कि बैलेंसिंग मेथड से हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, आइए इसी सवाल को हम लोग लेते हैं, अब हम लोग जो बनाएंगे वो बैलेंसिंग मेथड से। तो आइए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2000, मैं 6 ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ये ओके। ये आपका हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया आपका नेम ऑफ लेजर या नेम ऑफ अकाउंट, कुछ भी कर लीजिए। ये हमारा क्या है बैलेंस है, ये हमारा क्या है डेबिट का है, और आपको मालूम होगा ये हमारा क्या आता है वो क्रेडिट का होता है। हम लोग किस मेथड से बना रहे हैं, बैलेंसिंग मेथड से, बैलेंस हम लोग ये तलपट हम लोग कैसे बना रहे हैं, बैलेंस मेथड से हम लोग इसको बना रहे हैं। तो बैलेंस मेथड से हम लोग बनाएंगे, ध्यान रखिए ये जो हमारा मेथड है मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ वही चीज़ जाएगा जो लेजर में आप खोले होंगे उसका बैलेंस आया होगा वही जाएगा, अगर उसका बैलेंस नहीं आया है तो बिल्कुल इसमें ये नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, जिसका बैलेंस नहीं आया तो नहीं जाएगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे, आप पहले की बात करेंगे तो ये देख लीजिए, पहला हम लोग लेते हैं, सबसे पहले कैपिटल ले लेते हैं, सॉरी
पहला हमारा कैश था, कैश कैश अकाउंट। मैंने बताया कि जितने भी एसेट्स होते हैं हमारा डेबिट बैलेंस होते हैं, कैश हमारा कैश, बैंक, प्लांट मशीनरी, फिक्चर्स, लूज टूल्स, लेब स्टॉक जितने भी हमारे होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। अब वैसे आप देख लीजिए बैलेंस किधर आया है, तो आप देखेंगे सर कैश में, कैश अकाउंट जो हम बनाए थे, लेजर बनाए थे, उसमें बैलेंस आपका क्रेडिट साइड आया होगा। बाई बैलेंस सीडी आप लिखे होंगे 10,020 रुपया। तो वास्तव में वो क्या है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि वो डेबिट वाला पक्ष हमारा क्या है, बड़ा है। डेबिट वाला पक्ष बड़ा होने नाते उसका बैलेंस आप इधर डालें तभी जाकर बराबर हुआ ना। तो वास्तव हमारा क्या, वो डेबिट बैलेंस है, इसलिए उसका अमाउंट आप 10,020 रुपया आप यहां पे क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे 10,020 रुपया। इसके बाद अगला हमारा क्या है, कैपिटल है। तो ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो सीधा इसको देखते हैं, इसको आप सीधा यहां कर देंगे 40,000। ओके, तीसरा परचेज है, परचेज अकाउंट है, परचेजेज अकाउंट जो आपका है। परचेज मैंने बोला था, परचेज हमारा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और सेल्स हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये आपका क्या है 79,000, और सेल्स हमारा जो था 50,000 था। तो ये आपका हो गया सेल्स अकाउंट कितना 50,000। परचेज हमेशा डेबिट में, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में, सेल्स हमेशा डेबिट में, सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट, आपका उल्टा। सेल्स हमेशा क्रेडिट में रहेगा, सेल्स रिटर्न कहाँ रहेगा, डेबिट में रहेगा, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। पांचवा, अब पांचवे की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जितने भी बंदे थे आपके, सोहन थे, दिनेश थे, रमेश थे, इनका दोनों हमारा साइड इक्वल इक्वल आ गया था, देयर इज नो एनी बैलेंस। तो ऐसे दशा में इन तीनों लेजर को हम लोग कट कर देंगे, क्योंकि हमारा मेथड क्या रहा, बैलेंस मेथड। तो बैलेंस मेथड में उन्हीं को डालते हैं जिनका बैलेंस आता है। जब इनका बैलेंस आया ही नहीं है तो बैलेंसिंग मेथड से इनका ट्रायल बैलेंस बनेगा नहीं, इसलिए उस भाग को हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो अगला हमारा जो है, अगला जो हमारा है वो है ड्रॉविंग का है, और ड्रॉविंग अकाउंट। तो ड्रॉविंग अकाउंट जो आपका है 500 रुपये, बिल्कुल इसको हम लोग लिख देंगे 500 रुपये ड्रॉविंग अकाउंट। छठा जो आपका है वो डिस्काउंट अकाउंट है, और डिस्काउंट अकाउंट रिवेन्यू हुआ था 20 रुपया। जब रिवेन्यू होगा तो सीधी सी बात इनकम होगा। मैंने बताया कैपिटल, लाइबिलिटीज और रिवेन्यू हमेशा क्रेडिट होते हैं, और एसेट्स और हमारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। लास्ट आपका और होगा सैलरी दिया था, तब सैलरी देंगे तो हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, कितना 500 रुपया। और एक बार हम लोग रीचेक कर लेते, कुछ छूटा तो नहीं, बिल्कुल आपका ये कम्प्लीटली ओवरऑल आपका ये फाइनली हो गया। ओके, तो इसका भी टोटल कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे, दोनों साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए, 40-50-90-20। ये हो गया 90,020 रुपया। तो 90,020 इधर भी होना चाहिए, बिल्कुल 1,000 ये हो गया, 80,090 बिल्कुल आपका ये 90,000, ये 20 रुपया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सीख लिए, इस तरह से हम लोग यहाँ सीख लिए कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस बनाने के मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया। ऊपर आप देख सकते हैं ये आपका टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस मैंने आपको सिखा दिया, बोथ साइड हमेशा इक्वल होने चाहिए। टोटल में सिर्फ टोटल को ध्यान रखना है, बैलेंस को ध्यान नहीं रखना है। और बैलेंस हमारा कह टोटल का जस्ट अपोजिट है, वो कह रहा है इसमें सिर्फ हमें बैलेंस को देखिए, बैलेंस हमारा क्या आया है, बैलेंस हमारा डेबिट में है कि क्रेडिट में है, तो उस हिसाब से आप बैलेंस उसको इसमें ट्रांसफर करते जाइएगा। मैंने भाई मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत, आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा, एसेट्स और एक्सपेंस दो चीज़ हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जितने होते हैं हमेशा क्रेडिट साइड होते हैं। इस बेस पे आप करेंगे तो कभी आप गलती नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। दो मेथड मैंने बता दिया, नेक्स्ट मेथड में मैं आपको तीसरा और चौथा मेथड आपको बताने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू।